आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है न्यूमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु का नाम बताना है हमें। तो न्यूमोनिया क्या डिजीज है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का मुख्य रोगजनक है जीवाणु, और ये जीवाणु के नाम है, यहाँ लिख लेते हैं हमने। ये जीवाणु है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और दूसरा जीवाणु है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो स्टूडेंट, न्यूमोनिया के अंदर फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में तरल भर जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं फेफड़ों के वायु कोश जो हैं, वायु कोश में तरल भर जाता है, जिससे कि सांस लेने में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है रोगी को, और बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था के अंदर होठ और त्वचा और हम कह सकते हैं कि नाखून जो है वो नीले पड़ जाते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए ट्रेपोनोमा पैलिडम, इसकी वजह से होता है सिफिलिस, और ये है यौन संचारित रोग, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है हमारे पास नाइसीरिया गोनोरिया, इससे डिजीज होती है गोनोरिया, या जिसे हिंदी में सुजाक के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, इससे होती है डिजीज क्लेमाइडिया, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा हमारा। चौथा ऑप्शन है आप देख सकते हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, तो इसका सही उत्तर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।